सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है किसके लिए? बीजेपी के लिए। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकता हूँ? सर एक इस तरह से महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहाँ से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है, पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है किसके लिए? बीजेपी के लिए। मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है वो एक एक्सटॉर्शन का जरिया है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है कांग्रेस भी ले रही है, बाकी पार्टियां भी ले रही है, विपक्ष। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है।